सच्ची कश्मीर का जो दालक है वो ऐसी तरह लग रहा है, आप लोग की तरह आनी चाहिए। एक बात बताओ दोस्तों, अगले 5 साल के अंदर आप लोग जब इस अनसीन पैराडाइज में आएंगे ना, आप देखेंगे कई जगह में एडवेंचर स्पॉट जैसे कि एयर हॉट बेलून, स्पीड मोटर बोट, हैंगिंग ब्रिज, जीप लाइन और पैरा सीलिंग, और भी है पिकनिक स्पॉट, मॉडर्न फैसिलिटीज मार्केट देखने मिलेंगे दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, प्रगति की तरफ त्रिपुरा स्टेट बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, यहाँ का जो आदिवासी है, जनजाति है, यहाँ की हर नौजवानों को टूरिज्म के बारे में जानकारी देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, और शायद मुमकिन हो सके तो कश्मीर में बेस के दाल लेक में कैसे शिकड़ा चलाते हैं, शिकड़ा में बैठे कैसे टूरिस्ट के साथ बिहेव करते हैं, सबको बारे में जानकारी देना चाहिए ना दोस्तों। इस जगह पे ना दोस्तों, अगर आप लोग एक बार आए ना अपना फैमिली के साथ, कसम से बोल रहे यार, दिल खुश हो जाएंगे, देखते रहिए आप। देखिए दोस्तों, सामने एक डाकू है, उसमें एक नारियल बगान है, इसमें हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। बोले तो यहाँ बहुत सारे डाकू हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सुंदर है ये नारियल पुंज, ये बगान है। हम लोग सिकड़ा से उतर गए, तो हम लोग के साथ आप लोग देखते रहिए बस। दोस्तों इस सुंदर वादिया और इस लेक को टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी डिसीजन लिया है। इस जगह पे इस नारियल बगान के आसपास एक हेलीपैड बनने वाला है, तो आप लोग कुछ दिन के बाद हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ का इतना सुंदर वादिया, सुंदर जल राशि आप देखने के लिए
अपने फैमिली के साथ जरूर आने चाहिए ना दोस्तों। दोस्तों ये हिस्टोरिकल प्लेस है, नाम है तीर्थमुख। यहाँ हर साल मेला लगता है, इसमें लाखों लोग समागम होते हैं। दोस्तों ये पावर प्रोडक्शन मेन स्विच गेट है। है दोस्तों, अगर त्रिपुरी कपल ट्रैवल चैनल की वीडियो देख के अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करने चाहिए ना दोस्तों। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट में त्रिपुरा का टूरिज्म के बारे में ज़्यादा जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार।